संबलपुर रे आईआईएम रो स्थायी कैंपस रो लोकार्पण 400 कोटी टंका व्यय रे निर्मित कैंपस रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री ओडिशा वासी को भेटी देले 68,160 कोटी रो 18टी प्रकल्प आईआईएम कैंपस रे प्रधानमंत्री कहिसेंती ओडिशा रो विकास यात्रा रे आजिरो दिन महत्वपूर्ण ओडिशा को प्राय 70,000 कोटी रो प्रकल्प गुडीक पई बधाई जणाउछि विद्युत शिक्षा रेलपरी अनेक प्रकल्पर शुभारंभ होईछि जहां द्वारा रोजगार सृष्टि हेबा सह युववर्ग सशक्त हेबे संबलपुर रे स्थायी कैंपस हेबा द्वारा आईआईएम क्षेत्र रे ओडिशा आहुरी सशक्त होईछि प्रति राज्यर विकास हेले विकसित भारतर स्वप्न सफल हेब एबे जाय ओडिशा रो ग्रामांचल रे तयारी होईछि 50,000 किलोमीटर रो रास्ता ओडिशा रे निर्मित होईछि 4,000 किलोमीटर रो जातीय राजपथ रेल विकास क्षेत्र रे ओडिशा को 12 गुणा अधिक बजेट दिया जायछि गत 10 वर्ष मध्य रे ओडिशा को मिलिछि रेकर्ड अनुदान सुवर्णपुर जिला को रेल संजोग खुशी आनिछि पुरी सोनपुर पुरी एक्सप्रेस ट्रेन रो शुभारंभ होईछि महाप्रभु श्री जगन्नाथंक दर्शन करिबारे श्रद्धालुंकु सुविधा हेबो हि ट्रेन केन्द्र सरकारंक डीएमएफ फंड रे ओडिशा बिसी लाभान्वित होईछि डीएमएफ फंड रे ओडिशांकु मिलिछि 25,000 कोटी रो अनुदान ओडिशा को महत्वपूर्ण स्थान को नेबा ओ विकास पई केन्द्रर प्रयास निरंतर जारी रहिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है साथियों विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी संबलपुर आईआईएम रो स्थायी कैंपस उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदे प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जणाइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री देश को नुआ दिग देइछंती देश को अर्थनीतिर पावर हाउस परिणत करबा दिगरे कार्य करिछंती प्रधानमंत्री देश में गोल्डेन समय चलिथिबा बेले ओडिशा एथिरे आगुआ रहिछि स्टार्टअप पई एहा सुवर्ण समय बोली निज अभिभाषण रे कहिछंती नवीन I thank the honorable prime minister for taking time off his busy schedule to come here and grace the inauguration of this new campus the honorable prime minister has set a new direction for india and we are on the path to become an economic powerhouse this is a golden time for startups in india आईआईएम उद्घाटनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देछंती केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मोदी सरकार ओडिशा प्रति अवदान कथा कहिछंती केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धर्मेन्द्र कहिछंती 2004-2014 मध्यरे तत्कालीन केंद्र सरकार 3 लाख कोटी टंका देइथिबा बेले गत 10 वर्षरे ओडिशा को 18 लाख कोटी टंका प्रदान करिछंती मोदी संबलपुर आईआईएम रो नुआ कैंपस रो उद्घाटन उत्सव रे पूर्व भारत विकास करिबा उपरे मोदी गुरुत्व दैछंती आईआईएम संबलपुर रो उदाहरण दे धर्मेन्द्र कहिछंती प्रधानमंत्री जेउ प्रकल्प रो शिलान्यास करंती सेही प्रकल्प रो लोकार्पण मध्य करंती तेबे ओडिशा रो विद्युत शक्ति क्षेत्र रे 57,000 कोटी निवेश हेबो बोली कहिछंती केंद्रमंत्री गत 2021 कोविड समय रे प्रधानमंत्री मोदी निजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे आईआईएम संबलपुर रा नूतन कैंपस शिलान्यास करिथिले माननीय प्रधानमंत्री जो प्रकल्प रे शिलान्यास करंती सेही प्रकल्प रे भी शुभ लोकार्पण करंती सेही भलिया का मुहूर्त आज हम पखरे पहुंची छ हम सरकार सर्वांगीण सर्वव्यापी सर्वसमावेशी सरकार 1,21,000 कोटी टंका एही वर्ष बजेट रे दुई दिन तले आगत हेतिबा बजेट रे प्रधानमंत्री शिक्षा विभाग पै निवेश करिसंती ये 50 भाग वृद्धि हेची 2014 तुलना रे
लोकार्पण उत्सव में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि भाव जोग देता बेले राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु प्रमुख जोग देते। संबलपुर संतोष जेना, शुभश्री बारिक, ज्योति नंदों सह मलय भुईं रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।